स्टूडेंट केन्ता अच पिले और सब भल भल तो पिले आज आम कोर्स सिक्स थर्मल फिजिक्स रो यूनिट टू पार्ट एट भिडियो यूनिट टू मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन पार्ट एट भिडियो आम जूल केल्विन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल एंड वैन डर वाल गैसेस देन एनर्जी इक्वेशन तापर चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस तीन टा जिनिस पढ़ू दे तुम यूनिट टू खत्म है तुम निजे नोट कर नब आ बार बार बारंबार रिविजन करुव आउ प्रैक्टिस करुव है तो मुझे तुमको डायरेक्ट नोट रू ही पढ़े दूचे तो चलो तो देख जूल केल्विन कोएफिशिएंट फास्ट कोएफिशिएंट बाहर करमु तापर आइडियल गैस का बाहर करमु तापर तुम वैन डर वाल गैस का बाहर करमु बुझि पारल हाँ कि नहीं तो चलो तो जूल थॉमसन जेन एक्सपेरिमेंट अच्छे तुम सिलेबस नहींना बाकी तुम बुक रे अच्छे बट सिलेबस नहीं पढ़ा तो जिते बेले भी खाली जान जो जूल थॉमसन गोटे एक्सपेरिमेंट अच्छे है तो जेन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस आडियाबाटिकाली आडियाबाटिकाली माने डिक्यूटा जीरो रसी तो आम जानूँ देख पिलेटा फर्मुला तुम आगु ही जानी कण डिक्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ओके तो जेहतु आडियाबाटिकाली माने डिक्यू इज इक्वल टू जीरो है हाँ सार जीरो है तो डी मुझे कमन आनी तो यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी भी पुट करदे तो यू प्लस पी भी इज इक्वल टू जीरो है फिर आम कण जानी तो यू प्लस पी भी इज इक्वल टू कण एच है सरी ना जीरो लिखीदेली हरबर्रे यू प्लस पी भी इज्वल कण पी एच है तो डी एच इक्वल टू जीरो है तो डी एच इज्वल जो जीरो है मैंने एच इज्वल कण कन्स्टाट रखा हाँ बुझिपाल ओके तो आम जानू कण एच इज्वल टू यू प्लस पी भी है तो जो आम जो डिफरेन्सीएट करदे मैंने डी एच इज्वल कण डी यू प्लस पी डी भी प्लस भि डी भी आसवा डिफरेन्सीएट कर जान हाँ कि नहीं देख पी एवं देख जे डी क्यू जे डी यू प्लस पी डी भी अच्छे से जगह मुझे डी क्यू लिखिपारि आराम से फर्मुलाटा अच्छे हाँ कि नहीं तो डी क्यू प्लस भि डी पी अच्छा एवं देख आम कण इन बाहर कर डी एच इज इक्वल टू जीरो तो डी एच जगह कहना जीरो पुट करदेवि तो डी क्यू प्लस भि डी पी इज इक्वल टू जीरो बुझीहला ओके डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस यहाँ भी जानी तो डी क्यू जगह कहना टी डी एस पुट करदेवि तो टी डी एस प्लस भि डी पी इज इक्वल टू जीरो तो आम जेन एंट्रोपी डी एस मैंने कहना एंट्रोपी एंट्रोपी कहार फंक्शन है तो टेम्परेचर आउ प्रेसर तो जेहेतु इ फंक्शन टेम्परेचर और प्रेसर ऑफ फंक्शन है तो आम यहाँ यही हिसाब से लिखि पार्मु हाँ सार लिखि पार्मु आराम से लिखि पार्मु बुझेगा ए देख इ इक्वेशन टी डी एस प्लस भि डी पी तो डीएस रैल्यू आम पी जीछूँ एतक है तो मुई जेन डीएस रैल्यू ने पुट करदेवि तो टी के टी लिखली पीले हाँ सार लिखले डीएस रैल्यू लिखीदेली ये डीएस रैल्यू देख लिखीदेली प्लस भि डी पी इक्वल टू जीरो बुझीला नेक्स्ट तो इतक इज्वल टू जीरो कण आम जानूँ जे टी डएस बाय डट पी टा कण तार भैल्यू सीपी है तो सीपी लिखीदेली जगह कण लिखीदेली सीपी लिखीदेली डी के डी प्लस टी के टी लिखली तपर मैक्सुअल रिलेसन में जानूँ डएस डी इज्वल माइनस डी बाय डी है तो माइनस डी बाय डी लिखीदेली जेने की प्रेसर कन्स्टांट देन डी के डी प्लस भि डी इज्वल टू जीरो एवं कण करी ना पीले देख ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस गोटे स्टेप छाड़देली है प्लस इंटू माइनस तो जब राइट साइड गला कण हाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है जब राइट साइड गला कण हाँ माइनस है ओके तो डी टी जो कण हाँ ये कण गुणन हो आड़के हरण हाँ तो वन बाय सीपी एतक हाँ यहाँ है तुम जूल केल्विन कोएफिशिएंट ये तुम कणटा जूल केल्विन कोएफिशिएंट एवं आइडियल गैस आउ वैन डर वाल गैस का आम बाहर करमा तो चल तो देख जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहा जैसी बा जूल केल्विन कोएफिशिएंट भी कहा जैसी समान टाए बुझिपाल समान टाए नेम समान टाए जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहा जीवा और जूल केल्विन कोएफिशिएंट भी कहा जीवा तो फॉर परफेक्ट गैस बा जेन आइडियल गैस का जे बाहर करूँ तो जेन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल का कण है पी भी इक्वल टू आर टी सो भी इक्वल टू आर टी बाय पी एवं आम कहना डिफरेन्सीएट करमु यहाँ के विथ रेस्पेक्ट टू टी एंड कांस्टेंट कण रहा प्रेसर हाँ तो यहाँ डिफरेन्सीएट कले एतक हाँ आराम से जानपार हाँ कि नहीं तो डी टी बाय डी टी कण वन होगा ना तो आर बाय पी एतक बुझीपार एवं देख सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी बाय डी टी इन द एक्सप्रेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट तो ये आम जूल केल्विन इफेक्ट बा जूल थॉमसन इफेक्ट बाहर कण बाहर कर इटा बाहर करूँ तो इन्हें आम कण पुट करदेमु कण पुट करमु ना डी बाय डी टी वैल्यू पुट करदेमु तो ये डी बाय डी टी जेन नहीं देखु पिले यार वैल्यू आम पुट करदेमु तो यार वैल्यू कण पिले आर बाय पी एम तो बुझे लगे तो मुझे जूल थॉमसन इफेक्ट फर्मुला लिखीदेली
देख जे पूरा सेम लिखली खाली जगह कण आर बाय पी लिखली कैन जी गिटार भिलू आर बाय पी है जनता के हिंदी अच्छे बुझेला ओके इतकी बुझेला। देख एबे आमे आर गुटे फार्मूला कण है जानछु ना पी भी इक्वल टू आर टी ए। देख पी भी इक्वल टू कण है आर टी ए बुझेला हो कि नहीं तो आर टी बाय पी इक्वल टू कण है भी है तो मुझे जगह आर टी बाय पी जगह कण पुट करबी भी पुट करबी तो भी माइनस भी कण जीरो तो डी टी बाय डी पी इज इक्वल टू कण जीरो तो आइडियल गैस रे कण होछि जीरो होछि तो लिखबो पिले देखो हेन्स जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज जीरो फॉर ए परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस गाजी तुम जूल थॉमसन कोफिशिएंट कण जीरो हवा मन रख। एबे आमे गाना भेंडर वाल्स गैस बाहर करमु बुझेला तो तार इक्वेशन इटा पिले बुझी पार लो हाँ कि नहीं तो व्हेन प्रेशर इज इनफाइनाइटली हाई हवा सेते बेले तमर भेंडर वाल्स इक्वेशन कैन बी रिरिटेन बाय एक्सपांडिंग। तो काना करमु बंटन नियम हवा पी संगे ई गुणन करवा से तापर ए बाय भी स्क्वायर संगे ई गुणन हवा बुझेला तो देख सेटा का कली बंटन नियम हला तापर पी भी माइनस पी भी हवा एटा संगे गुणन हवा एटा संगे गुणन हवा देन आर टी के आर टी तो जेहेतु यहाँ संगुणन है भि स्क्वायर इंटू भी तो गोटे भि भी कैनसल होगा बुझेगा तो तापर लिखीदेली है पि भी माइनस पि भी प्लस ए बाय भी माइनस ए बी बाय भि स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो सिंस द भेंडर वाल्स कन्स्टांट ए एंड बी तो ए आउ बी है तुम भेंडर वाल कन्स्टांट है जेनटा कि आर भेरी स्मल इन कंपेरिजन टू ए लार्ज क्वांटिटी भि स्क्वायर जेहेतु बहुत स्मल है तो आम कण नेग्लेक्ट करदेमु तुम ई टर्म के आम कण करमु नेग्लेक्ट करदेमु तो जिते बेले टर्म के जो आम नेग्लेक्ट कर दूसूँ तो कण हो ना पी भी माइनस पी भी प्लस ए बाय भी इक्वल टू आर टी ए हाँ कि नहीं बुझेगा ओके। एबे देख पी भी इक्वल टू कण हाँ पिले आर टी तो ई जो राइट साइड जी बोले प्लस हाँ ई जो राइट साइड जी बोले माइनस हाँ सेम सेटा का लिखली नो प्रोब्लेम बुझेगा ओके। एबे देख ए भी रैल्यू बाहर करमु तो पी भी इक्वल टू आर टी ए आम जानी बुझी पार जेन आइडियाल गैस रूम तो भि जी गल कौन आर टी बाय पी है तो भि जगह मुझे आर टी बाय पी पुट कर देली तो सेम आखा लिखली देख खाली भि जगह आर टी बाय पुट कर देला के ये हिसाब से लिखली इतक बुझीला हाँ कि नहीं। नेक्स्ट एबे देख पिले इन्हें देख कण पी कमन जी पार्बा हाँ सर जी पार्बा तो पी कमन ने मुझे आगे किसी नहीं है तो देख पी के मुझे कमन नेली एवं यहाँ डिफरेंशिएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टी एंड पी के कन्स्टांट रखमु तो यहाँ देख डिफरेंशिएट कली बुझी पार नहीं पी भी तो यू भी रो फॉर्मूला पड़ला घर वाली बाहर वाली टाइप रो बुझा लगे देन आर टी टा भी तुम कहना यू भी रो फॉर्मूला पड़ला देन पी भी दुईटा एका कन्स्टांट है पी भी कन्स्टांट देख पी भी कन्स्टांट आउ बी भी कन्स्टांट है तो जीरो ही गला बुझी पार लगे से बाय ए बाय आर टी तो एपी बाय आर कन्स्टांट है तो डेरिवेटिव है टी रो तो टी रो डेरिवेटिव है यहाँ डेरिवेटिव कण है माइनस वन बाय टी स्क्वायर है बुझी पार कि तो यहाँ कण है इतक बुझेगा तो डी टी बाय डी टी वन तो आर माइनस माइनस एपी बाय आर माइनस वन बाय टी स्क्वायर देन माइनस इंटू माइनस प्लस हाँ कि नहीं तो आर प्लस एपी बाय आर इंटू वन बाय टी स्क्वायर इतक बुझेगा। अच्छा तो डी भी बाय डी टी जल्दू कण हाँ पी बाट कण हाँ हरण हवा तो हरण कर देनु बुझी पार कि तो इन्हें पी पी कण होगा कैनसल ही गला तो डी भी बाय डी टी पी इज गल कण आर बाय पी प्लस ए बाय आर टी स्क्वायर। एबे देख सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी भी बाय डी टी पी इन द एक्सप्रेशन जूल थॉमसन इफेक्ट तो जेन इन्हें भी आम डी भी बाय डी टी वैल्यू बाहर करूँ से आम जूल थॉमसन इफेक्ट जूल केल्विन कोएफिशिएंट आम पुट करदेमु तो यहाँ है फर्मूला तो ये जगह आम कहना पुट करदेमु इतकी तो इतकी मुझे पुट करदेली। नेक्स्ट किसी नहीं करी डी भी बाय डी टी जगह कहना ये वैल्यू को मुझे पुट करदेली बुझी पार ल। नेक्स्ट तो पुट है पिले बुझी पार ल तो टी टी गोटे कैनसल ही गला बुझी पार कि नहीं इतक बुझी पार ल हाँ कि नहीं पूरा भलसे बुझी पार ल तो आर टी बाय पी प्लस ए बाय आर टी माइनस भी है वन बाय सी पी इज इक्वल टू बुझी पार नहीं एवं आर टी बाय पी रैल्यू बाहर करमु बुझी पार कि नहीं एवं आर टी बाय पी रैल्यू बाहर करमु तो देख पिले इक्वेसन मन अच्छे तो इक्वेसन रु आम आर टी बाय पी रैल्यू बाहर करमु इक्वेसन रु बुझी पार ल तो इक्वेसन लिखीदेली एवं कण कर देख जेन ई टर्म अच्छे लेफ्ट साइड नेले कण माइनस इज इक्वल टू आर टी ए बुझी पार ल
तो इने देख पी पी कमन अच्छे तो पी के मुझे कमन नी बुझीला ए का ना पी जदि मुझे रेस्ट आइटम डिवाइड होगा जेहतु मुझे यार भैल्यू दरकार तो आर टी बाय पी रैल्यू एत की है तो आर टी बाय पी जगह ये भैल्यू को मुझे पुट करदे देख भैल्यू पुट कली देन जेनता अच्छे एमती लिखली तो इनर भी इनर माइनस भी कैनसल हो गला तो रहा खाली एत की तो बुझेगा कैनसल हो गला ब्राकेट खाली खोलदेमु माइनस भी माइनस इन माइनस प्लस लिखिदे ए बायटी ए बायटी दुईटा अच्छे तो टू बाय आर टी माइनस भी लिखिदे बुझेगा तो यहाँ है डी टी बाय डीपी इजिक्वल टू वन बाय सीपी टू ए बाय आर टी माइनस बी यहाँ है तुम भेंडर वाल्स का बाहला बुझेगा एवं नेक्स्ट टॉपिक आम पढ़वा कण पीले तुम एनर्जी इक्वेशन है तो चलो तो देख एनर्जी इक्वेशन का क्या करमु ना आम एज्यूम करमु जो इंटरनल एनर्जी कहार फंक्शन है भी आउ टेम्परेचर टी ए तो ये जदि इटार फंक्शन बोले हिसाब से लिखिपार हाँ सार लिखिपार बट आम जानी डी इज इक्वल टू क्या टी डी एस माइनस पी डी ए बोली जानू बुझेला कि नहीं तो यहाँ के आम डिफरेंशिएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू भी एंड कन्स्टा रखमु टेम्परेचर टी तो डिफरेंशिएट कर जानू ये डिफरेंशिएट करब पिले हाँ कि नहीं आम क्या करमु डी एस बाय डी भी मैं ड एस बाय डी रैल्यू बाहर करमु तो मैक्सवेल सेकंड रिलेशन रू बाहर करमु तो ये जगह कण डएस बाय डी इज्वल कौन डपी बाय डी तो डपी बाय डी आम पुट करदेनु एतक बुझीपाल ओके तो जेन इक्वेशन थ्री के कहुए फास्ट एनर्जी इक्वेशन ये तुम फास्ट एनर्जी इक्वेशन एतक मोर कथ बुझीपाल हाँ कि नहीं आगे टी सिंप्लीफाई करमु है जेहतु आमको सेकंड इक्वेशन बाहर करबार अच्छे है तो यहाँ है फास्ट एनर्जी इक्वेशन मन रख ये फास्ट एनर्जी इक्वेशन इक्वेशन थ्रीटा बुझेगा आम जानू जो डयू बाय डी जेने वॉल्यूम कन्स्टेंट रोले सीटा सी भी हेसी बुझीपाल हाँ कि नहीं तो इक्वेशन टू रे देख लक्ष्य कर आम भैल्यू सब पुट करमु ड यू बाय डाटी ड यू बाय डटी रैल्यू कण है सी भी ए बुझीला हाँ कि नहीं ड यू बाय डी रैल्यू कण है इक्वेशन थ्री जेनटा कि भैल्यू सब पुट करदेनु इक्वेशन फाइव देमु यहाँ है तो इक्वेशन टू रेटार भैल्यू आटार भैल्यू पुट करदेमु यटार भैल्यू है यहाँ अब इटार भैल्यू है इक्वेशन थ्री तो पुट करदे ये इक्वेशन फाइव बुझीला तो नेक्स्ट तो टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए गिवन चेंज ऑफ स्टेट फॉर ए प्योर सब्सटेंस का जी आम क्या प्योर सब्सटेंस का जी क्या करमु इंडिकेशन करदेमु बुझीला एवं आइडियल गैस का जी बाहर करमु तो यहाँ फॉर्मूला जान आइडियल गैस का जी पी इक्वल टू आर टी तो पी इक्वल टू आर टी बाय भी डिफरेंशिएट जो करदेनु विथ रेस्पेक्ट टू टी तो डब्ल्यू बाय डी वॉल्यूमटा कांस्टेंट हाँ आर बाय भी हाँ बट यू नो दैट फ्रॉम इक्वेशन आम क्या जानूँ जेन फास्ट एनर्जी इक्वेशन यहाँ है फास्ट एनर्जी इक्वेशन है हाँ कि नहीं तो फास्ट एनर्जी इक्वेशन यहाँ बुझीपाल कि तो डब्ल्यू बाय डी जगह मुझे आर बाय भी लिखिपारे हाँ सार लिखिपारे आप देख ड यू बाय डी जीरो हाँ क्या जी इटा तुम बुक रे अच्छे बाकी सिलेबस नहींना है तो तुमको ये आज जेहतु टे काम अच्छे कर दूचे ड यू बाय डी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो क्या हाँ क्या जी द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम एंड आइडियल गैस इज जीरो दिस इज नोन एज जूल्स ल इटा क्या कहुए जूल्स ल जेहतु जूल्स ल इज इक्वल टू कण जीरो है तो डयू बाय डी इज इक्वल टू जीरो हेसी तो आर टी बाय भी माइनस पी इज्वल टू कण हाँ जीरो बुझीला कण डयू बाय डी भी जेन टेम्परेचर कन्स्टांट से इक्वल टू जीरो हाँ क्या जूल्स ल कहे तो जदि इ जगार जदि इ जगार कण है जीरो है मैंने कण ये टर्मटा कण है जीरो है मान कण जीरो ही गला तो इक्वेशन सिक्स एवं कण हाँ खाली इंटीग्रेशन ऑफ सी भी डी टी हाँ क्या जी टर्मटा जीरो है क्या जानू जूल्स ल क्या जी जूल्स ल अनुसार इक्वल टू जीरो है तो ये जगह जीरो पुट कर दि तो टी डी डी माइनस पी कल कण जीरो है तो पुट कर दमु इन्हें बुझीपाल कि नहीं तो कण हाँ यूज खाली सी भी डी टी इंटीग्रेशन हाँ एतक बुझीला हाँ कि नहीं तो नेक्स्ट तो ये देख सी भी डी टी इंटीग्रेशन करमु तो खाली डी टी इंटीग्रेशन हाँ बुझीपाल कि नहीं तो डी टी जिते बेले इंटीग्रेशन हाँ टी आसवापर ऊपर लिमिट माइनस लो लोअर लिमिट कर तो यूज कल टू सी भी टी टू माइनस टी वन हाँ बुझीपाल हाँ कि नहीं तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट बुझीला आउ सिंस देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन आइडियल गैस
इतकी बुझे हला एबे भेंडर वाली गैस काजी देखमा बुझी पाल तो चल तो देख ये है भेंडर वाल गैस काज है तो इटा है इक्वेशन आम जानी छुपिले तो ये जो राइट साइड है कण डिवाइड हो जा हाँ कि नहीं देख पी जी गलु कण हाँ ये जो राइट साइड है कण हो माइनस एकदम इक्वेसन सेवेन एटे डिफरेनसीएट करमु विथ रेस्पेक्ट टू टी जेने कि आम भल्यूम के कन्स्टांट रखमु तो मुई डेरीवेटिव कली विथ रेस्पेक्ट टू टी मैंने कण ये तो कन्स्टांट है मैंने कण हो जीरो पीले यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टी करमु कण आर आर बाय भि माइनस भी हाँ बुझी पार्ल हाँ कि नहीं इतक बुझेगा देख एबे यूजिंग फास्ट एनर्जी इक्वेशन ये फास्ट एनर्जी इक्वेशन हाँ कि नहीं हाँ ओके एबे देख डपी बाय डटी जगह मुझे कण आर बाय भि माइनस भी लिखि पार्बी हाँ सार लिखि पार्बे तो लिखिदेली एबे देख डयु बाय डि जी गलु कण है आर टी भि माइनस भी पी है बुझेगा ओके तो देख आम जानी कण पी जिकल टू देख इक्वेशन देख इक्वेशन सेवेन कड़े गला इक्वेशन सेवेन ए इक्वेशन सेवेन तो यहाँ है इक्वेशन सेवेन तो इक्वेशन सेवेन रु आम यार भैल्यू बाहर करूँ है आर टी बाय भि माइनस बी माइनस पी रैल्यू बाहरी बाहर करूँ तो देख यहाँ है इक्वेशन सेवेन है पिले तो ये जदि लेफ्ट साइड है प्लस ही जी बुझी पार्ल हाँ कि नहीं तो पी जदि राइट साइड गला कण माइनस ही जा तो यार भैल्यू कण है ए बाय भि स्क्वायर है तो यार भैल्यू कण है पिले ना ए बाय भि स्क्वायर यहाँ देव इक्वेशन नाइन एवं कण करमु इंटीग्रेशन करदेमु इंटीग्रेशन करदेमु बुझीला हाँ कि नहीं इतनी बुझीगला किनटा के इंटीग्रेशन करमु इक्वेशन फाइव के इंटीग्रेशन करदेमु है इक्वेशन फाइव के आम इंटीग्रेशन करमु इतनी बुझीगला कि डाउट इतनी बुझी पार किनटा के यहाँ है इक्वेशन फाइव है ना हाँ कि नहीं तो सी भि डी टी आर इटार भैल्यू कण बाहर ए बाय भि स्क्वायर बाहरी तो बुझे पार्ल एत बुझीला हाँ कि नहीं तो आगे बढ़वा चल बुक कण कण दे पे भगवान बुझाने इंटीग्रेशन कला के सब बाहर यहाँ देनु इक्वेशन टेन तापर आम एज्यूम करमु जेन इंटरनाल एनर्जी से फंक्शन अफ टी एन पी एफ जदि फंक्शन अफ टी एन पी आम यहाँ इ हिसाब से लिखिपारमु हाँ सार लिखिपारमु आम जानी डी जी गलू टी डी एस माइनस पी डी ए तापर यहाँ के आम विथ रेस्पेक्ट टू पी रे डिफरेंशिएट करमु जेनेकि तुम टेम्परेचरटा कन्स्टांट रहा तो यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू पी रे डिफरेंशिएट करमु टेम्परेचर देख कन्स्टांट अच्छे तुम आराम से जानी डेरिवेटिव हाँ कि नहीं तो यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू पी रे हवा है बुझिपाल कि पार्शियल डिफरेंशिएशन तापर टी कन्स्टांट है भाके गला तापर यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू पी रे है से भाया पी तो कन्स्टांट है तो डी बाय डीपी टी बुझीला हाँ के इतक बुझीला नो प्रॉब्लम आगे जीमा चल तापर तापर पे ई जगार मैक्सवेल रिलेशन पड़वा बुझीपाल कि नहीं तो ये जगार मैक्सवेल रिलेशन कण है देख ये दुईटा पढ़वा हाँ कि नहीं डएस बाय डी बाय डी जी गलू माइनस डएस बाय डी तो डएस पी जगह कण लगवा माइनस डि बाय डी लगवा बुझी पार्ल कि नहीं मैक्सवेल थर्ड थर्मोडायनामिक रिलेशन तो यहाँ तुम यूज है जगह ये है इक्वेशन बार और इक्वेशन बार के तुम सेकेंड एनर्जी इक्वेशन कह जैसे बुझी पार्ल ये जदि इक्वेशन बार के जब आम इक्वेशन इलेवेन जब पुट कर देनु इक्वेशन इलेवेन जब पुट कर देनु बोले यहाँ आसवा इतक बुझीला हाँ कि नहीं इतक बुझीला ओके तापर एवे देख चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस इटा अच्छे ना तुम सिलेबस चेंज ऑफ टेम्परेचर हाँ ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देख इटा नोट लिखी दे पिले एन एडियाबेटिक प्रोसेस द एंट्रोपी एस रिमेन कॉन्स्टेंट तो एंट्रोपी कण रही कॉन्स्टेंट रही तुम एडियाबेटिक प्रोसेस वॉल्यूम भी खाली चेंजेस हाँ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडियाबेटिक एक्सपेंशन
वी सुड स्टडी द चेंजेस इन टेम्परेचर करेस्पंडिंग टू द चेंजेस इन वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एंट्रोपी। तो मेक्स वर्ड फास्ट रिलेशन है यहाँ बुझिपार नाउ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहना डॉ एस इजल टू डॉ क्यू बाय टी बुझिपार डॉ जगह यार भैल्यू पुट करदे कहना डॉ क्यू बाय टी जब पुट करदे बोले यहाँ मिलवा हाँ सर मिलवा आराम से ए कि नहीं करें टेम्परेचर के मुई जेहेतु कन्स्टाट तो बाहर लिखिदेवी है सजगर लिखिदेली है तो हिसाब लिख ली एवं देख डपी बाय डक्यू के मुझे हिसाब से लिखिपार जेनता कि तुम जब ड यू बाय ड एक्स अच्छे बोले के लिखिपारि ना ड यू बाय ड वाई बाय ड एक्स तो यहाँ भी सेम फॉर्मेट्रे अच्छे तो यहाँ के भी लिखिपारि डपी बाय डी वॉल्यूम कांस्टेंट डी बाय डक्यू जेने की वॉल्यूम कांस्टेंट तो यहाँ के मुझे हिसाब से लिखिपारि ये देव इक्वेशन वन इतनी बुझी है नेक्स्ट। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर विथ राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी व्हिच इज डिनोटेड बाय बीटा तो बीटा इज इक्वल टू कहना पिले ना चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू राइज इन टेम्परेचर जेने की वॉल्यूमटा कांस्टेंट रहबा हला तो बीटा इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर के डॉपी नेमु ओरिजिनल प्रेशर के पी नेमु और राइज इन टेम्परेचर के डॉटी नेमु जेने की वॉल्यूम कांस्टेंट रहबा एतकी मोर कथा बुझि पालो यहाँ टे सजग लिखिदेवी वन बाय पी डपी बाय डी जेने की वॉल्यूम कांस्टेंट रहा मोर कथा बुझीला ओके एवं डपी बाय डी जी गलू कहना पी जदि लेफ्ट साइड गला कहना हाँ बीटा पी हाँ एतक बुझीला ओके बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक हिट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीभीज गिवेन बाय तो कांस्टेंट वॉल्यूम रे स्पेसिफिक हिट रो कहना ना सीभीज इक्वल टू डक्यू बाय डी जेने की वॉल्यूमटा कांस्टेंट रहा सिंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रे कहना हाँ ना सीभीज इक्वल टू डक्यू जी गलू कहना है डयू हेसी तो डयू बाय डी जेने की तुम वॉल्यूम कांस्टेंट है बुझीला तो वन बाय सी भिज कौन है ई भी उल्टी जी तो ई भी उल्टी गले कौन है डी बाय डयू हाँ बुझीला देख पे मुझे तुमको कह दूसरे थर्माल फिजिक्स खाली स्टेप बाय स्टेप प्राक्टिस कर कण कण दी से भगवान जाने बुझीला कि नहीं तुम प्राक्ट कर जेहतु सिलेबस अच्छे तो प्राक्ट करवाक पड़वा बुझीला देख जेन इक्वेशन वन जिन यार भैल्यू मैंने सब बाहर करूँ कहार भैल्यू डपी बाय डी आउ डी बाय डक्यूर भैल्यू बाहर करूँ तो आम गोटे भैल्यू तो पाइनु ना डपी बाय डी बुझीपाल यार गोटे भैल्यू पाइमु कि डी बाय डक्यू जेनटा कि डक्यू इज इक्वल टू डयू ए बुझीला कि तो ये दुईटा भैल्यू पाइनु तो दुईटा भैल्यू को आम इक्वेशन वन कण करमु ना पिले सब्स्टिट्यूट करमु तो चल करू कण हाँ जी जिते बेले सब्स्टिट्यूट करनु तो यहाँ पेनु बुझीला तो सब्स्टिट्यूट करदेव इक्वेशन वन है तो इफ डेल्वी इज द स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम देन करेस्पोंडिंग चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन डेल्टी इज इक्वल टू गिवन बाय कौन है तो डेल्टी बाय डेल्वी इज इक्वल टू कौन लिखिपारि ना डेल्टी बाय डेल्वी लिखिपारि इज इक्वल टू एत की तो डेल्टी इज इक्वल टू कौन है डेल्वी राइट साइड जी तो यहाँ हाँ बुझीपाल बीटा पॉजिटिव हाँ के सो कूलिंग इफेक्ट देखा से बीटा पॉजिटिव हाँ नेगेटिव केते बेले हबा जते बेले सो हीटिंग इफेक्ट बुझीला एतकी हला तमर यूनिट टू खत्म पिले मुझे तुमके नोट देखे दो चाहे है तो चलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे देख जुल देख लख लगे बढ़मा चलो टे जल्दी देखे दूसरे पिले है लिख ल लिख ल लिख तापर आइडियल गैस का जीवा कर देख लिख ल पूरा भल से लिख ल आगे बढ़मा चलो वीडियो पॉज कर किना लिख है लिख ल पूरा भल से लिख ल वीडियो पॉज कर किना लिख आगे बढ़मा चलो ये तक लिख पूरा लिख ल आगे बढ़मा सियोर ये तक लिख ल चलो आगे बढ़मा ये तक लिख लिख ल वीडियो पॉज कर किना लिख ल आगे बढ़मा चलो इतक लेख पिले
वीडियो पॉज कर आ लेख लेखल आगे बढ़मा चल लेख वीडियो पॉज कर ना लेख लेखल भल से लेखल आगे बढ़मा चल तापर लेख यटा हला एतक लिखि सारल लेखल एतक लेखल लेखल आगे बढ़मा चल एला एनर्जी इक्वेशन हला चल लेख लेखल भल से लेखल इतक लेखल आगे बढ़मा इतक लेख लेखल पिले पूरा भल से लेखल पूरा लेखल लेख इतक लेख वीडियो पोस्ट करना लेखल पूरा भल से लेखल आगे बढ़मा लेख वीडियो पोस्ट करना लेखल आगे बढ़मा लेखल तो चल चल लेख पिलेटा लेखल वीडियो पोस्ट करना लेखल ओके आगे बढ़मा लेख भेनर वाल्स खाली बाहर कर इक्वेशन एट तक लेख वीडियो पॉज करके ना लेखल पूरा भल से लेखल आगे बढ़मा चल लेखल पूरा भल से लेखल आगे बढ़मा चल इक्वेशन इलेवेन तक लेख लेखल पिले आगे बढ़मा चल पूरा सब लेखल वीडियो पॉज करके ना लेख हला 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 दुईटा लेख पिले मैक्सवेल फास्ट रिलेशन तो लेख वीडियो पॉज करके ना लेखल पिले सियोर आगे बढ़मा लेखल पिले हाँ कि नहीं पूरा लेखल आगे बढ़मा भैल्यू मैंने यहाँ बाहर करूँ है तो ये भैल्यू तक लेख बाहर करूँ जे लेखल आगे बढ़मा लिखि सारल सब ओके नेक्स्ट ये तक लेख पिले है तक लेख देख पिले क्या पढ़ावाटा भल लगे पारे क्या पढ़ावाटा भल नहीं लगे पारे मुझे मोर बेस्ट देवाके ट्राए करूँ है जेहेतु मुझे मनुष्य बुझीपाल कि तो किसी भूल हवा किसी रईट हवा किसी बुझे पार्मी किसी बुझे नहीं पारे तो ठीक है एडजस्ट करब बाकी पे मुझे बेस्ट देवाके ट्राए करूचे बुझीला कि कहीं तुमर थर्ड सेम मैथमेटिकल फिजिक्स थर्मल फिजिक्स जी फिजिक्स जी केमिस्ट्री जी मैथ फाइव सेम रुच बुझीपार तो जड़े लोक ये पढ़ावाटा बुझीपाल कि तो डिफिकल्ट है आउ बेस्ट देवाके ट्राए करूचे पिले है जदि आउटा थ्योरी है थ्योरी है तो डायरेक्ट नोट जेहेतु कर दूचे नोट रू पढ़े दूचे तो हेतके टे तुमके भल नहीं लगता है कहीं बोले डायरेक्ट नोट रू ही देखी दिव बोलूचे ना हाँ कि नहीं जो तुमके यहाँ जदि लिखिकर कर बेसी टाइम ना बेसी टाइम हवा है सिलेबस टे कभर ही नहीं पारे बुझीपार तुमके डायरेक्ट नोट रू ही पढ़े दूचे कहीं थ्योरी खाली अच्छे टे बुझीपार तुम्हार कथा हाँ कि नहीं पिले आउ दुई तीन थर देख जदि भल नहीं लगे बोले कह कि सर भल नहीं लगभार बोलकर है तुम्हें जेन 25 मिनिट कि 30 मिनिट्र भिडियो देखुच ना पिले तार का मुझे 2 दिन 3 दिन मेहनत करसी बुझेगा कि नहीं मोर पाए किसी बुक एभेलेबल नहीं ना पिले किए मत PDF पठेदेले कि मुझे कहार जदि बुक मांगूचे केत दिन काज है तो मन किसी एभेलेबल ही नहीं ना बुझीपार आउ जेहेतु देख पिले भ्यू तो हेते नहीं जीवा तो पैसार भी किसी सुजोग एखा नहीं मिलवा
ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ମୋର କଥା? ଦେଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଯଦି ବଡ଼ଟା ହେତା, ସବୁ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ରେ ଚାଲୁଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଦେଉଛେ, ପୁରା ସବୁ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ରେ ଚାଲୁଛେ। ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ପିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେନ୍ ବହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ଥିସି କାଁ, ସେନେ ଏକା ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ରଖ୍ସି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଇୟରଫୋନ, ଇୟରଫୋନ ଦେଖୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡରେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିବା ସେତିକି ଆଜି, ବୁଝିପାରୁଛ ତମ କଥା? ତ ଫେର ଅପଲୋଡ଼ କାଜି, ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଟ୍ରାଏ ତ ବହୁତ କରୁଛେ ତମ ସିଲାବସ କଭର କରବାକେ ହେଲା, ମୋର ଯେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇ ପାରବି ଦେବି ପିଲେ, ଯେତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରବି ତମର କାଜି ସିଓର କରବି। ତମେ ଖାଲି ଏନ୍ତା ଭରସା ରଖିଥିବ, ଏନ୍ତା ତମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥ। ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ପିଲେ, ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।